वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करी हूँ हमारे पास ये इक्वेशंस हैं और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है फाइंड द सॉल्यूशंस एट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सबस्टी तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू ये क्या है इक्वेशन वन और ये जो है एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन ये है इक्वेशन टू ठीक है अब हम क्या करेंगे हम लिख लेते हैं यहाँ पर फ्राम इक्वेशन टू फॉम इक्वेशन टू हम क्या करेंगे एक्स को यहीं पे रहने देते हैं और इज इक्वल टू फिफ्टीन को भी यहीं पे रहने देते हैं माइनस फोर वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस फोर वाई ठीक है तो और ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन थ्री ठीक है हमने क्या किया है इक्वेशन टू को सॉल्व uh, किया कैसे किया कि एक्स को यहीं पे रहने दिया और फोर वाई को यहाँ पे ले आए ठीक है और ये इक्वेशन थ्री बन गई है अब हम क्या करेंगे हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं एक्स की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन वन में समझ आया जहाँ एक्स होगा इक्वेशन वन में हम वहाँ पर फिफ्टीन प्लस फोर वाई को पुट कर देंगे ठीक है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सब्स द वैल्यू of x in equation वन ठीक है तो सिक्स का सिक्स आ जाएगा जहाँ एक्स होगा मैंने आपको क्या कहा था वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना फिफ्टीन प्लस फोर वाई तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे फिफ्टीन प्लस फोर वाई प्लस वाई का वाई आ जाएगा समझ आया इस सिक्स की जगह सिक्स ही आ गया एक्स की जगह यहाँ पर फिफ्टीन प्लस फोर वाई पुट हो गया और प्लस वाई का वाई इज़ इक्वल टू टू ओके और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं फिफ्टीन को सिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है नाइन्टी तो यहाँ पर क्या आ गया नाइन्टी और सिक्स ने इससे भी मल्टीप्लाई होना सिक्स फोर जैड क्या आ जाएगा ट्वेंटी फ़ोर वाई का वाई प्लस वाई का वाई इज़ इक्वल टू टू नाइन्टी का नाइन्टी आ जाएगा ट्वेंटी फोर वाई में वाई को प्लस करेंगे तो क्या आ गया ट्वेंटी फाइव वाई इज़ इक्वल टू टू और यहाँ पर ट्वेंटी फ़ाइव वाई आ गया इज़ इक्वल टू टू नाइन्टी है इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा वाई का वाई आ जाएगा ट्वेंटी फाइव भी अभी यहीं पे रहने देते हैं नाइन्टी में से ट्वेंट टू को माइनस करें तो क्या आता है एटी एट तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास एटी एट और माइन माँण, प्लस माइनस होता है माइनस से साइन कौन सा आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है तो नाइन्टी बढ़ा गया टू नाइन्टी बढ़ेगा माइनस है तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वाई यहीं पे रहेगा और माइनस एटी एट है ट्वेंटी फ़ाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कैस yes, हमारे पास क्या आ गई वाई की वैल्यू आ गई अब हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थ्री ठीक है ये वाली जो इक्वेशन है ना उसमें हम लोग क्या करेंगे वाई की वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारे पास इस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो का x ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिफ्टीन का फ़िफ्टीन ही लिख लेते हैं प्लस फोर वाई है तो प्लस का प्लस फोर का फोर और वाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगी वाई की वैल्यू डैट इज़ माइनस एटी एट बाई ट्वेंटी फाइव अब हम क्या करेंगे यहाँ पर फिफ्टीन का फ़िफ्टीन ही लिख लेते हैं ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और फोर को एटी एट से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होता है फोर को एटी एट से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है थ्री हंड्रेड फिफ्टी टू तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थ्री हंड्रेड फ़िफ्टी टू डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फ़ाइव आ गया ठीक है समझ आया फिफ्टीन का फिफ्टीन प्लस माइनस माइनस फोर को एट्टी एट से मल्टीप्लाई करवाएं तो थ्री फ़िफ्टी टू आता है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एल्म ले, ले लेते हैं ट्वेंटी फ़ाइव है यहाँ पर कुछ नहीं है तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर वन होता है ठीक है तो ट्वेंटी फाइव और वन का एल्म लेंगे तो ऑफ़कोर्स ट्वेंटी फ़ाइव ही आएगा और यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में हमारे पास वन ए, कुछ नहीं है तो वन है वन को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे समझ आया डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो वन है वन को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करवाएं तो वन ट्वेंटी फाइव से क्या होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फ़ाइव को अब फिफ्टीन से मल्टीप्लाई हमने करवाना है ठीक है या सिंपली इतना समझ लें कि जब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता आप एलसीएम आपने लिया होता है ठीक है और डिनोमिनेटर में यहाँ पर कुछ नहीं होता फिर आपने क्या करना होता है जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लें सही है ये सिंपल है अच्छा तो ट्वेंटी फाइव को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा तो हमारे पास क्या आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है फिफ्टीन को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव आता है माइनस जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर एज इट आ जाता है पता है आपको अब क्या करेंगे हम थ्री सेवेंटी फाइव में से थ्री फिफ्टी टू को माइनस कर देते हैं ठीक है तो माइनस करके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव में से टू को तो माइनस करें थ्री आता है सेवन से फाइव को माइनस करें तो टू आता है और थ्री में से थ्री तो जीरो तो थ्री सेवेंटी फाइव में से थ्री फिफ्टी टू को माइनस करें तो ट्वेंटी थ्री आता है डिनोमिनेटर में ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी फाइव आ गया और इस तरह हमारे पास एक्स की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई समझ आया वाई की भी होगी और एक्स की भी होगी हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि दस एक्स इज इक्वल टू तो ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी फाइव एंड वाई इज इक्वल टू तो, क्या है वाई की वैल्यू थी माइनस एटी एट बाई ट्वेंटी फाइव समझ आया और यहाँ पर लिख लें इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ओके तो एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ कि क्या था हमारे पास ये हमने कह दिया ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है फिर हमने इक्वेशन टू को सॉल्व किया और हमने एक्स को बस यहाँ पर रहने दिया इस टर्म को हम यहाँ पर ले आए और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन थ्री फिर हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया कौन सी वैल्यू को एक्स की वैल्यू को किस में इक्वेशन वन में समझ आया हमने इक्वेशन वन को में जहाँ x था वहाँ पर x एक्स किसकी इक्वल किया हुआ है हमने फिफ्टीन प्लस फोर वाई के ना तो हमने इक्वेशन वन में क्या किया सिक्स का सिक्स इट आ गया जहाँ x था हमने वहाँ पर फिफ्टीन प्लस फोर वाई को पुट कर दिया है प्लस वाई का वाई इज़ इक्वल टू टू फिर हमने क्या किया इनको मल्टीप्लाई करवा देना है इससे भी इसको इससे भी और देन हमने इनको प्लस कर लिया फिर नाइन्टी उधर चला गया ये दोनों सॉल्व हो गया वाई इधर ही रहा ट्वेंटी फाइव इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जा डिवाइड हो गया वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी हमने क्या करना है वाई की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन थ्री में ठीक है क्वेश्चन थ्री में पुट करेंगे एक्स का एक्स ही रहेगा जहां वाई होगा बस वहां पर वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने वहां पर माइनस एटी एट बाई ट्वेंटी फाइव समझ आया क्वेश्चन थ्री में करनी थी ना तो एक्स का एक्स हमारे पास आ गया फिफ्टीन का फिफ्टी प्लस फोर का फोर वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट होगी डेट इज़ माइनस एटी एट बाई ट्वेंटी फाइव देन हमने क्या किया इनको मल्टीप्लाई करवा दिया फिर एलसीएम लिया फिर सॉल्व किया ये X आ गया एक्स की भी वैल्यू आ गई वाई की भी आ गई अगर आपने कैप्चर करना है तो फिर आप इस तरह कर लें ठीक है पहले इसको यहाँ पर इसको कर लो तो सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर